आज से शारदीय नवरात्र की शुरुआत हो गई। जिलेभर में मंदिरों में भवानी के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लग गई। भीलवाड़ा में चामुंडा माता, जीण माता, कालिका माता मंदिर में सुबह 5 बजे आरती हो गई। शक्ति की अधिष्ठात्री मां जगदम्बा की आराधना का महापर्व शारदीय नवरात्र आश्विन मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तिथि तक मनाया जाता है। इस बार आश्विन शुक्ल प्रतिपदा 15 अक्टूबर को मिला है। इस तिथि का क्षय न होने से नवरात्र पूरे 9 दिनों का है, लेकिन 23 अक्टूबर को दोपहर 3:10 तक ही नवमी मिल रही है। इस अवधि में दुर्गा पाठ का हवन व कन्या पूजन आदि किया जाएगा। दशमी का मान भी इस दिन होगा। आज बड़े तड़के से ही शक्तिपीठों पर भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया और भीलवाड़ा में हरणी स्थित चामुंडा माता मंदिर में सुबह से ही भक्तों का पहुंचना शुरू हो गया और घट स्थापना के साथ नवरात्रि के अनुष्ठान प्रारंभ हो गए। बाबा धाम सुभाष नगर स्थित जीण माता रोडवे बस स्टैंड पर कालिका मातापुर में खाटा रानी मंदिरों पर श्रद्धालुओं की भीड़ जुटनी शुरू हो गई है, जबकि कोदूकोटा में कालिका माता, धनोप माता, बकिया रानी, बाड़िया का माता जी, फरक माता, जोगनिया माता के साथ ही चित्तौड़ में जातला माता और कालिका माता के दर्शन के लिए रविवार होने से नवरात्रि के पहले दिन लोग बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। वहीं आज शाम में से पांडालों में माता जी विराजन के साथ ही गरबा के कार्यक्रम शुरू हो गए। गोजो व्रजराम बारोगा बारो खंडते सो मम वतु मराय रसो अच्युत तांबूल वस्त्रम ऋतु बलम पुंजा बलनेजा बला। जिले के बंगाखेड़ा ग्राम पंचायत क्षेत्र की कोठाई नदी में 2 नरकंकाल मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। कोठाई नदी में बच्चे की खुदाई करते समय ये नरकंकाल मिले, जिसके बाद पुलिस व प्रशासन के अधिकारी मौके पर पहुंचे और दोनों कंकाल के अवशेषों को बरामद कर जांच के लिए भिजवाया है। बंगाखेड़ा के सरपंच प्रतिनिधि चंद्र प्रकाश काठ ने इस संबंध में पुलिस को रिपोर्ट दी। जानकारी के मुताबिक चावंडिया व सोमसियास गांव के बीच से गुजर रही कोठारी नदी में कुछ बजरी के धंधेबाज चोरी छिपे अवैध बजरी दोहन करने के लिए खुदाई कर रहे थे। इस दरमियान 2 खोपड़ी वे कुछ हड्डियां निकली, जिसे देखकर माफियाओं के हाथ पांव फूल गए। उन्होंने इसकी सूचना ग्रामीणों को दी। मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण एकत्र हो गए, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। सूचना के बाद पहले कोठड़ी पुलिस मौके पर पहुंची। कोठड़ी सीओ श्याम सुंदर विश्नोई व थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण गुर्जर ने मौके पर पहुंच जानकारी ली तो सामने आया कि जहां कंकाल के अवशेष मिले वे बड़लियास थाना सर्किल की जगह है। उसके बाद बड़लियास थाना प्रभारी शिवचरण में मालगढ़ सीओ सुनील कुमार मौके पर आए। उन्होंने दोनों नरकंकाल के अवशेषों को बरामद कर जांच के लिए भिजवाया है। दोनों नरकंकाल के अवशेष किसके हैं यह भी स्पष्ट नहीं हो पाया है। पुलिस लापता लोगों की जानकारी भी खंगाल रही है, साथ ही हर एंगल से जांच में जुटी हुई है। आज सुबह यहाँ भेड़ बकरी चराने वाले ग्वाले इधर घूम रहे थे तो उनको पुरानी हड्डियां मिली और खोपड़ी भी मिली। खोपड़ी मिलते ही उन्होंने, गाँव वालों ने मेरे को फोन किया और मैंने पुलिस को सूचना दी, जिससे पुलिस अधिकारी भी यहाँ पूछे और डिप्टी साहब भी पूछे, कोठड़ी कोठड़ी डिप्टी कोठड़ी थानेदार भी पूछे और बड़लियास वाले थानेदार जी भी पूछे और अपने स्थानीय पटवारी साहब भी पूछ गए और इसकी इनकी जांच की है। इसमें गली विली हड्डियाँ और कंकाल मिला। गुलाबपुरा पुलिस ने एक और बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए दिन में रिहायशी मकानों की रेकी कर चोरियां करने वाले गैंग के सरगना दुर्गा बागरिया सहित 2 लोगों गिरफ्तार कर वारदात में काम ली बाइक भी जब्त कर ली। दोनों को रामपुरा आगुचा व बराटिया में हुई चोरी के मामले में गिरफ्तार किया गया। पुलिस पूछताछ में दोनों ने सुने मकानों में नकबजनी करना कबूल किया है। पुलिस का कहना है कि बदमाश इतने शातिर हैं कि वारदात के दौरान घरों में लगे सीसीटीवी कैमरों की हार्ड डिस्क भी चुरा कर ले जाते थे। बता दें कि इस गैंग के खुलासे में थाने के 2 कांस्टेबल विजय पाल और अमरचंद का सराहनीय योगदान रहा।
एक सप्ताह पहले कस्बे से अगवा किए गए दलित युवक की हत्या कर दी गई है। उसकी लाश जंगल में पड़ी मिली। लाश मिलने के बाद ग्रामीणों में आक्रोश है। हत्या में भिलवाड़ा के चर्चित गैंग के शामिल होने की बात सामने आई है। मिली जानकारी के अनुसार रायपुर निवासी पूरणमल रेगर को 8 अक्टूबर की रात 12 बजे कुछ लोगों ने अगवा कर लिया था। इसके बाद से परिजन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे, लेकिन उसका पता नहीं लग पाया। आज बीटा ग्राम के पास थोरिया खेड़ा के जंगल में पूरणमल की शतविशत लाश पड़ी मिली। संभावना है कि उसकी चाकू मारकर हत्या की गई और बाद में शव को जानवर भी खा गए। पुलिस को पूरण की हत्या होने की जानकारी मिलने पर वे मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए रायपुर लाया गया, जहां परिजन विलाप करते हुए देखे गए। इस हत्या के पीछे भिलवाड़ा के एक चर्चित गैंग का हाथ बताया जा रहा है। पूछताछ के लिए कुछ लोगों को हिरासत में लेने की बात सामने आई है। वहीं हत्या कारण गुजरात से जुड़ा होने की भी संभावना है, लेकिन वास्तविकता पुलिस पूछताछ और आरोपियों के पकड़े जाने के बाद ही सामने आ पाएगी। बिलोड़ा में अन्नकूट पर धूमधाम के साथ मनाया जाता है और अन्नकूट का प्रसाद लेने के लिए लंबी लंबी कतारें लगती है। भिलवाड़ा के संकट मोचन हनुमान मंदिर के महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि दीपावली के दूसरे दिन मनाए जाने वाले अन्नकूट की तैयारी अभी से शुरू कर दी गई है। इस पर्व पर बालाजी को विशेष चोला चढ़ाया जाएगा। 3100 किलो सब्जियां व 56 तरह के व्यंजन और चावल चावल का भोग लगाया जाएगा। यहां तैयार होने वाले पचकुटे की सब्जी में काजू दाग का तड़का लगाया जाता है, जिससे उसका स्वाद अलग ही हो जाता है। महंत बाबूगिरी महाराज ने बताया कि 3100 किलो सब्जियों के साथ चमला चावल का प्रसाद तैयार करने में हलवाइयों की 50 लोगों की टीम जुटेगी। इसमें 20 टिन तेल का उपयोग किया जाएगा। शाम को महाआरती के बाद प्रसाद का वितरण होगा। मंदिर में भक्ति मनोज कोटेवाले ने बताया कि यहां बनने वाली सब्जियों का स्वाद ही कुछ अलग होता है। प्रसाद लेने वालों की गोलप्याऊ तक लाइने लगती है। उधर पेच एरिया स्थित बालाजी के मंदिर में भी अन्नकूट पर्व को लेकर तैयारी की जा रही है। पंडित आशुतोष शर्मा ने बताया कि अन्नकूट पर्व को लेकर तैयारी की जा रही है। अन्नकूट का पर्व कैसे मनाएं, क्या तैयारी आपकी? श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर पर दिवाली के दूसरे दिन अन्नकूट महोत्सव धूमधाम से मनाया जाएगा, जिसमें 3000 किलो सब्जियों का भोग लगाया जाएगा, जिसमें 50 हलवाइयों की टीम बनाएगी पूरा दिन भर में, एवं उसमें 56 प्रकार के व्यंजन बना के 56 प्रकार के भोग लगा के अन्नकूट उसमें मिलाया जाएगा, फिर भक्तों को बांटा जाएगा आरती के बाद दिवाली के दूसरे दिन। क्या तैयारी और कितने के व्यवस्था की आपने, कहाँ तक लंबी लाइन लगती है? भिलवाड़ा में अन्नकूट के ऊपर बहुत भीड़ लगती है और सभी भक्त लोग यहाँ की सब्जी पाने के लिए लेने के लिए प्रसाद पाने के लिए लोग लंबी लंबी लाइनें में खड़े रह के दूर तक भी खड़े रह के लोग प्रसाद यहाँ से ले जाते हैं। सब्जी में जो अन्नकूट का प्रसाद, उसमें क्या क्या डाला जाएगा? ये सारे प्रकार की सब्जियां मिक्स किया जाता है, जैसा सभी प्रकार की सब्जी, पनीर भी होता है, काजू बादाम भी होता है, और सभी प्रकार की सब्जियां मिक्स बना के अन्नकूट मनाया जाएगा। संकट मोचन हनुमान जी के यहाँ अन्नकूट का प्रसाद लेते हैं, उसमें सब्जी का एक विशेष ही वर्णन है। यहाँ का प्रसाद सभी जगह से, सभी जगह का प्रसाद हम लेते हैं, पर यहाँ की जो सब्जी बनती है बहुत विशेष है और खाने का प्रसाद का मजा ही कुछ अलग है। इसलिए संकट मोचन हनुमान जी की सबसे टॉप और सर्वश्रेष्ठ सब्जी का मैं समर्थन करता हूँ। कितनी टाइम लगता है आपको सब्जी लेना, प्रसाद लेने के लिए कितनी लंबी कतार में खड़ा रहना पड़ता है? लाइन बहुत लंबी, यहाँ से लगा के गोलपुर चौराहे तक लाइन लगती है, फिर भी भगवान की कृपा से जो प्रसाद मिलता है हम ले लेते हैं वो प्रेम से, और भिलोड़ा वासी इससे बहुत प्रसन्न है। करीब 10 माह पहले कोठाई नदी पर 13 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनाई गई पुलिया क्षतिग्रस्त हो जाने के बाद अब मरम्मत कार्य शुरू किया गया है।
पुलिया में घटिया निर्माण सामग्री काम लेने की बात जांच में सामने आई थी, लेकिन इस मामले में जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। जानकारी के अनुसार कोठारी नदी पर पालड़ी जाने के लिए नगर विकास न्यास ने 13.9 करोड़ रुपए की लागत से अजमेर की एक फर्म से पुलिया का निर्माण करवाया था, लेकिन पिछले दिसंबर माह में एक डंपर के गुजरने के दौरान वे क्षतिग्रस्त हो गई, जबकि उद्घाटन भी कुछ दिन बाद होना था। पुलिया में आर पार छेद हो जाने के बाद जिला कलेक्टर ने उसे गंभीरता से लिया और जांच के आदेश दिए। भीलवाड़ा हलचल ने इस मामले को सबसे पहले उजागर किया था, तब जिला कलेक्टर के निर्देश पर सुभाष नगर थाने में मामला भी दर्ज हुआ। इस पुलिया में घटिया निर्माण की बात जांच के दौरान सामने आई थी, लेकिन अब तक इस मामले में नगर विकास न्यास के जिम्मेदार निर्माण से जुड़े अधिकारियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। 10 माह से भी अधिक समय बाद अब जाकर इस पुलिया की मरम्मत शुरू की गई है। क्षतिग्रस्त हिस्से पर फिर से RCC डाली जा रही है। भीलवाड़ा जिले में कांग्रेस के कुछ प्रत्याशियों की सीटों में बदलाव आ सकता है, ये अभी कयास ही, लेकिन माना जा रहा है कि मांडल से राजस्व मंत्री रामलाल जाट को आसीन या साड़ा से चुनाव लड़ाया जा सकता है और मांडल से प्रद्युमन सिंह को कांग्रेस चुनाव मैदान में उतार सकती है। यह तो तय है कि राजस्व मंत्री रामलाल जाट और जाजपुर से बीच निगम अध्यक्ष धीरज गुर्जर चुनाव लड़ेंगे, लेकिन अन्य सीटों पर अभी नाम तय नहीं हो पाए है। संभावना है कि सोमवार या मंगलवार को प्रत्याशियों के नामों की घोषणा हो सकती है। जानकार सूत्रों के अनुसार दिल्ली में हुई स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में भीलवाड़ा को लेकर गहन मंथन हुआ है, लेकिन किसी भी नाम पर सहमति नहीं बन पाई। यह जानकारी भी सामने आ रही है कि रायपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस रामलाल जाट को उम्मीदवार बना सकती है। भाजपा ने वहां से जाट को दरकिनार कर महाजन को मैदान में उतारा है। ऐसे में कांग्रेस जाटों की सहानुभूति का फायदा उठाने की फिराक में है। माना जा रहा है कि किसी प्रभावशाली नेता को रायपुर सीट पर शिफ्ट किया जा सकता है। वहीं हैप्पी बन्ना और प्रद्युमन सिंह को भी कांग्रेस इस बार चुनाव मैदान में उतार सकती है। सिंह को लेकर प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेस नेता अड़े हुए होने की बात भी सामने आई है। स्क्रीनिंग कमेटी में किसी प्रत्याशी का नाम फाइनल हुआ हो यह अभी खुलासा नहीं हो पाया, लेकिन माना जा रहा है कि भाजपा की तर्ज पर कांग्रेस भी जिताऊ और टिकाऊ उम्मीदवारों को टिकट देने के पक्ष में है। इसके चलते कुछ नामचीन दावेदारों के नाम टिकटों की सूची से बाहर हो सकते हैं, कुछ नए चेहरे चुनाव मैदान में उतारे जा सकते हैं। ऐसे ही भीलवाड़ा को लेकर भी यह माना जा रहा है कि इस बार ब्राह्मण उम्मीदवार के बीच मुकाबला हो सकता है। विधानसभा चुनाव को लेकर अधिकारीगण भी मतदान को लेकर अपनी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुट गए हैं। कस्बे में रविवार को उपखंड अधिकारी महेश चंद गगोरिया व पुलिस उपाधीक्षक सुनील सिहाग ने यहां राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में मतदान केंद्र का निरीक्षण किया। इस दौरान पुराने प्राथमिक विद्यालय के मतदान केंद्र को नवनिर्मित कमरे में परिवर्तन करने, शौचालय सहित आसपास साफ सफाई करवाने, वहां पड़ी निर्माण सामग्री हटवाने व टंकी के पीछे कचरा साफ करवाने को लेकर ग्राम विकास अधिकारी व BLO को दिशा निर्देश दिए। पूर्वाल हॉस्पिटल में अब बड़े शहरों की तरह आज से सुपर स्पेशलिस्ट चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध हो गई है, जिससे मरीजों को गंभीर मामलों में भी बाहर नहीं जाना पड़ेगा। रविवार को पूर्वाल हॉस्पिटल के सुपर स्पेशलिस्ट विभागों का अहमदाबाद के कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर अनुपम गुप्ता, जयपुर के डॉक्टर संजीव राय, न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर देवेंद्र शर्मा और CMHO डॉक्टर मुश्ताक खान के साथ ही डॉक्टर नरेश पोरवाल ने किया। डॉक्टर नरेश पोरवाल ने बताया कि गंभीर मरीजों को उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करने के लिए आधुनिक गहन चिकित्सा इकाई ICU क्रिटिकल केयर के अनुभवी एवं प्रशिक्षित चिकित्सक और स्टाफ की 24 घंटे सेवाएं उपलब्ध होंगी। उन्होंने कहा कि भीलवाड़ा ही नहीं आसपास के जिलों में कार्डियोलॉजी, न्यूरो सर्जरी, क्रिटिकल केयर, डायलिसिस की आधुनिक सुविधाएं यहां उपलब्ध कराई गई है। हॉस्पिटल के डायरेक्टर नरेश पोरवाल ने कहा कि 2009 में केशव पोरवाल हॉस्पिटल की स्थापना की थी और तब से ही लोगों और मरीजों का उन्हें खासा प्यार मिला है। 98 से अहमदाबाद से मैं भीलवाड़ा सेवा मिला और 2009 से केशव पोरवाल हॉस्पिटल के माध्यम से अपनी पूरी टीम के साथ मिलकर सेवा देने का प्रयास अभी भी कर रहे हैं। आपके प्यार और आपके विश्वास के साथ जब मरीज के चेहरे की खुशी डबल होती है तो हमारे काम करने का क्षमता हौसला दुगना हो जाता है और साथ में ईश्वर की कृपा रहे, माता पिता का आशीर्वाद रहे और परिवार का साथ मिले। स्थानीय नेताजी सुभाष मार्केट स्थित लंदन गोल्ड पर फेस्टिवल सीजन को देखते हुए एग्जीबिशन सेल का आयोजन किया जा रहा है। इसमें वेडिंग का
एक्सक्लूसिव कलेक्शन शहरवासियों को उपलब्ध करवाया जा रहा है। शोरूम के डायरेक्टर प्रशांत सिंघवी ने बताया कि इस एग्जीबिशन में ग्राहकों को ज्वेलरी की खरीदारी की पारदर्शिता की जानकारी दी जा रही है। एग्जीबिशन में विंटेज कलेक्शन, डायमंड की आकर्षक रेंज के साथ साथ एक्सक्लूसिव सिल्वर ज्वेलरी आकर्षक रेंज में विभिन्न डिजाइनों में ग्राहकों को उपलब्ध करवाई जा रही है। सिंघवी ने बताया कि गोल्ड विंटेज ज्वेलरी के साथ साथ इंटरनेशनल ब्रांड के कलेक्शन की डिजाइनर ज्वेलरी मुख्य आकर्षण है। साथ ही दीपावली के सीजन को देखते हुए सिल्वर में माणक सहित चांदी के आभूषण में भगवान की मूर्तियां दी जा रही है। सिंघवी ने बताया कि सोने के भाव में बढ़ोतरी को देखते हुए वर्तमान दरों में गोल्ड की बुकिंग की जा रही है। जैसे आपको पता है, लंदन गोल्ड हर बार कुछ न कुछ नया करने में विश्वास रखता है और इस बार हमने पूरी तरह से ज्वेलरी को टर्न किया है। सबसे बड़ा बिगेस्ट ज्वेलरी एग्जीबिशन हम लोगों ने लगाया है इस बार भिलवाड़ा में। हम लोगों ने इससे पहले 6-7-8 अक्टूबर को जीतो कनेक्ट जयपुर में लगाया था, उसका बहुत ही ओवरवेलमिंग रिस्पांस आया। उसके बाद ऑन कस्टमर डिमांड हम लेके आए पूरी एकदम एक्सक्लूसिव ज्वेलरी स्पेशली फॉर भिलवाड़ा। इसके अंदर जैसे आप देख पा रहे होंगे, हमने विभिन्न विभिन्न प्रकार के ऐसे ऐसे ऑर्नामेंट्स का कलेक्शन किया है जो एकदम उमदा कारीगरों से, महीनता से, एक एक चीज को ध्यान में रखते हुए हर प्रकार का कलर कॉम्बिनेशन, हर तरह की चीजों को हमने कंसिडरेशन में लेते हुए हमने बनाया। छोटी बड़ी खबरें। भिलवाड़ा शहर के विभिन्न स्थानों पर 5 घंटे बंद रहेगी बिजली। चूरेलाल मंदिर में नवरात्र के मौके पर 51 जोड़ों ने की घट स्थापना। कोटा चित्तौड़गढ़ राजमार्ग पर खाई में गिरा टैंकर, चालक बाल बाल बचा। भिलवाड़ा जिला पुलिस अधीक्षक ने चारों थानों का किया निरीक्षण, चुनाव की तैयारियों की समीक्षा। डूंगरपुर जिले में हाईवे पर ट्रक क्रूजर की टक्कर में 7 लोगों की मौत, 10 घायल।